बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्शन फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने कनेक्शन इक्वेशंस देखी थी और उसके बाद हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट कनेक्शन फॉर्म्स। आज के लेक्चर में हम इससे ऑनवर्ड चलेंगे और देखेंगे कि और ज़्यादा टेक्निक्स कैसे डिवेल्प कर सकते हैं हम टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ द शेप्स इन R3। सबसे पहले हम ड्यूअल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप एक फ्रेम फील्ड से रिलेटेड एक बिल्कुल उसी की तरह का एक और फ्रेम फील्ड बनाते हैं, लेकिन वो फ्रेम फील्ड बेसिकली ड्यूअल वन फॉर्म्स का है। सो बेसिकली वन फॉर्म्स रिलेटेड हैं फ्रेम फील्ड के साथ, और ये हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। उसके बाद हम कार्टन्स स्ट्रक्चरल इक्वेशंस पढ़ेंगे। ये इक्वेशंस कार्टन्स ने दी थी और उसके बाद ये देखेंगे कि कैसे हम इन इक्वेशंस को यूज़ करके स्फेरिकल फ्रेम की ज्योमेट्री को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं जी हम ड्यूअल फ्रेम से। द ड्यूअल फॉर्म ऑफ ए फ्रेम फील्ड, सो गिवन एनी फ्रेम फील्ड, सो लेट्स से E1, E2, E3, मेरे पास एक फ्रेम फील्ड ऑन R3, देन द ड्यूअल वन फॉर्म्स θ1, θ2 एंड θ3 ऑफ द फ्रेम फील्ड आर द वन फॉर्म्स सच दैट θi ऑफ V इज इक्वल टू V.ei ऑफ P। सो किसी भी पॉइंट पे अगर आपने θi ऑफ V की, सो बेसिकली V इज ए वेक्टर एट पॉइंट P, देन θi ऑफ V इज इक्वल टू V.ei ऑफ P फॉर ईच टेंजेंट वेक्टर V टू R एट पॉइंट P। सो किसी भी पॉइंट P पे मेरे पास एक टेंजेंट वेक्टर V है, उस पे मैं जब θi अप्लाई करूँगा तो मेरे पास, लेट्स से मैं θ1 की बात करता हूँ, θ1 ऑफ V इज इक्वल टू V.E1 ऑफ P। सो हमें ये पता कि अगर मेरे पास एक फ्रेम फील्ड है तो किसी एक पॉइंट पे उसकी जो वैल्यू है, ये फ्रेम फील्ड E1, E2, E3 की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे, ये मुझे ए ट्रिपलेट ऑफ 3 यूनिट वेक्टर्स विच आर यूनिट वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर ये देगा। सो दिस इज E1 ऑफ P, दिस इज E2 ऑफ P एंड दिस इज E3 ऑफ P। सो मेरे पास एक वेक्टर V गिवन था, टेंजेंट वेक्टर, उसमें मैंने θ1 अप्लाई किया तो मेरे पास V.E1 ऑफ P आ गया। अब ये मुझे पता है कि E1 ऑफ P जो है इज अ यूनिट वेक्टर बाय डेफिनेशन ऑफ द फ्रेम फील्ड। सो लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज दिस डॉट प्रोडक्ट। सो नॉर्म ऑफ V डॉट नॉर्म ऑफ E1 ऑफ P इनटू कोसाइन ऑफ द थीटा बिटवीन देम। सो दिस इज जस्ट इक्वल टू नॉर्म ऑफ V कोसाइन थीटा बिकॉज नॉर्म ऑफ E1 इज 1 बिकॉज इट इज ए यूनिट वेक्टर। सो θ1 ऑफ V इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ V इन द डायरेक्शन ऑफ E1 ऑफ P। सो एक टेंजेंट वेक्टर V गिवन था 2R3 एट पॉइंट P, हमने θ1 की वैल्यू कैलकुलेट की है एट V, हमारे पास क्या आ गया है, कंपोनेंट ऑफ V इन द डायरेक्शन ऑफ E1। सिमिलरली, सो सिमिलरली θ2 ऑफ V इज कंपोनेंट ऑफ V इन द डायरेक्शन ऑफ E2 ऑफ P। सो बेसिकली दिस इज कोसाइन ऑफ θ2, लेट्स से द एंगल बिटवीन V एंड E2 ऑफ P। एंड सिमिलरली θ3 ऑफ V इज इक्वल टू V.E3 ऑफ P, सो द कंपोनेंट ऑफ V इन द डायरेक्शन ऑफ E3 ऑफ P। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट इफ वी कैन राइट डाउन V एज 3 कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ दिस फ्रेम फील्ड, क्योंकि किसी भी पॉइंट P पे
मेरे पास एक टेंजेंट वेक्टर गिवन है जिसका इनिशियल पॉइंट वी है, और जो फ्रेम फील्ड है मुझे थ्री म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स दे रहा है, और मेरे पास उसके कंपोनेंट्स भी कैलकुलेटेड है कि कंपोनेंट ऑफ वी इन द डायरेक्शन ऑफ ई वन, कंपोनेंट ऑफ वी इन द डायरेक्शन ऑफ ई टू एंड कंपोनेंट ऑफ वी इन द डायरेक्शन ऑफ ई थ्री, ये भी मेरे पास गिवन है. तो आई कैन राइट इट डाउन इन द फॉलोइंग वे. सो थीटा वन ऑफ वी ई वन, सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ वी इन द डायरेक्शन ऑफ E1 plus theta 2 of V E2 plus theta 3 of V E3. So any vector V at a point P can be written as a linear combination. ये हमें already पता है orthonormal expansion से, लेकिन इस केस में वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ द डुअल वन फॉर्म्स. सो दिस इज वन ऑफ द यूज, इसको हम और ज्यादा डिटेल में हम देख रहे होंगे. सो अभी तक हमने क्या डिफाइन किया, एक फ्रेम फील्ड गिवन था, हमने उससे रिलेटेड वन फॉर्म्स डिफाइन की हैं विच आर डुअल टू द फ्रेम. इसको और ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे कि डुअल इन व्हाट सेंस. इन डुअल वन फॉर्म्स को यूज करते हुए हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ई वन ई टू ई थ्री, बट द कोफिशंट्स आर द वैल्यूज ऑफ डुअल वन फॉर्म्स एट दैट वेक्टर. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. नाउ ऑब्जर्व दैट हम वर्ड यूज कर रहे हैं डुअल वन फॉर्म का. डुअल वन फॉर्म का वर्ड हम थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री के लिए यूज कर रहे हैं. सो हम ये देखेंगे कि ये वन फॉर्म्स कैसे बनती हैं. सो वन फॉर्म की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो वन फॉर्म की दो प्रॉपर्टीज थी. सबसे पहली बात तो ये है, इट्स ए फंक्शन दैट टेक्स वेक्टर्स टू नंबर्स. तो जैसा कि हमने देखा कि थीटा वन की वैल्यू अगर मैं वी पे लूं तो मेरे पास एक नंबर आएगा विच इज एसेंशियली the component of v in the direction of e1, लेकिन it is a number. तो हमारे पास input vectors हैं, output numbers हैं. theta 1, theta 2, theta 3 तीनों के केस में ऐसा ही है. So the first property is satisfied, theta I takes vectors to real numbers. Now let's see the second property. Second property क्या है, theta I is linear. अब हम देखते हैं कि theta I linear है या नहीं. सो थीटा आई, उसके लिए हम ए वी प्लस बी डब्ल्यू कंसिडर करते हैं. सो बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू ए वी प्लस बी डब्ल्यू, द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ई आई ऑफ पी. सो सिंस डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सो आई कैन राइट इट डाउन एज ए वी डॉट ई आई ऑफ पी प्लस बी डब्ल्यू डॉट ई आई ऑफ पी. Now by definition, what is this expression? This expression is in fact theta I of V plus B, and this expression is basically theta I of W. Now what we have proved is theta I of AV plus BW is equal to this expression. Aur agar hume yaad ho, to this is the definition of linear map. सो लीनियर मैप की डेफिनेशन के मुताबिक थीटा आई इज लीनियर, और क्योंकि इसमें आई आर्बिट्रेरी था तो मैं इसमें आई की जगह वन टू थ्री ले लूं तो प्रूफ सेम रहेगा. सो फॉर आई इज इक्वल टू वन टू थ्री दिस इज लीनियर. देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ थीटा. सो थीटा आई को जब मैं ई जे पे अप्लाई करता हूँ, सो बेसिकली ई जे इज ए वेक्टर फील्ड फॉर फिक्स जे. सो फ्रेम फील्ड ई वन ई टू ई थ्री, इसमें ई वन इज ए वेक्टर फील्ड, ई टू इज ए वेक्टर फील्ड, ई थ्री इज ए वेक्टर फील्ड, क्योंकि ई वन जो है वो हर पॉइंट पे आपको एक वेक्टर दे रहा है,
और ई टू भी हर पॉइंट पे वेक्टर दे रहा और ई थ्री भी हर पॉइंट पे वेक्टर की वैल्यू हमें दे रहा. सो बेसिकली आर थ्री के हर पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज ई वन, इट कुड बी एनी डायरेक्शन, इट इज जस्ट ए वेक्टर, एंड देन सो दिस इज ई वन, एंड देन एट ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव अनदर वेक्टर विच इज गिवन बाय द वेक्टर फील्ड ई टू. सो एंड द प्रॉपर्टी इज दिस ई टू इज परपेंडिकुलर टू ई वन. And similarly, E3, because there exists a vector E3 which is orthogonal or make an angle of 90 with both E1 and E2. So that's by definition of the frame field. मेरे पास हर पॉइंट पे एक ट्रिपलेट आ रहा है जिसमें से एक वेक्टर गिवन बाय ई वन है, दूसरा वेक्टर गिवन बाय ई टू है और तीसरा वेक्टर गिवन बाय ई थ्री है. सो बेसिकली ई जे इज ए वेक्टर फील्ड फॉर फिक्स जे. अब मैं थीटा आई की वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकता हूँ ओनली वेक्टर्स पे. तो थीटा आई ऑफ ई जे का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी पॉइंट पी पे अगर कैलकुलेट करूँ तो आंसर सेम आएगा. सो लेट्स अप्लाई दिस डेफिनेशन. सो लेट्स से थीटा वन ऑफ ई वन मैं कैलकुलेट करता हूँ. सो बाय डेफिनेशन ये मेरे पास क्या बनेगा? ई वन डॉट ई वन. सो हमें पता है हाउ टू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फील्ड्स. सो दिस इज जस्ट इक्वल टू वन फॉर ईच एंड एवरी पी. सो पी मैं कोई सा भी ले लूँ तो मेरे पास ये हमेशा वन आएगा. Similarly, अगर मैं थीटा वन ऑफ ई टू कैलकुलेट करूं तो दिस इज इक्वल टू ई टू डॉट ई वन. अब किसी भी पॉइंट पे आर थ्री के आप देख सकते हैं ई वन इज परपेंडिकुलर टू ई टू, सो दिस इज इक्वल टू जीरो. सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वन एंड ई टू इज जीरो because at each and every point they are orthogonal. So we can also write it down as E2 of P at a particular point or at an arbitrary point, this is equal to 0 because the angle between them is 90 for each and every point. Similarly, agar aap ye tamam cheezein calculate kare to aapko ye pata chalega ki theta I EJ is equal to Kronecker delta function. So this means we can calculate the image of this vector field under this theta I, and this is Kronecker delta. So let's consider the natural frame field. Natural frame field ke case mein hamare paas dual one forms kya banegi? Aaiye dekhte hain ji. So U1, U2, U3 mere paas natural frame field hai. Aur is frame field ke bare mein hame pata hai ye kya hai. Har point pe mere paas jo triplet aa raha hai usme एक ख़ास प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी ये है कि उसमें से जो एक वेक्टर u1 है दिस इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, द वेक्टर u2 इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड वेक्टर u3 इज पैरेलल टू z एक्सिस. सो इट्स अ वेरी स्पेशल फ्रेम फील्ड कॉल्ड नेचुरल फ्रेम फील्ड. सो इसका अब हम डुअल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और ये देखेंगे कि इसके डुअल्स क्या बनते हैं. सो लेट्स अप्लाई द डेफिनेशन. सो बाय डेफिनेशन थीटा, लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा वन एट एनी वेक्टर वी. दिस इज बेसिकली इक्वल टू वी डॉट यू वन ऑफ पी. नाउ एट एनी पॉइंट पी वी डॉट u1 of p is calculating this dot product
And now I can write down V1, V2, V3 at point P, 1, 0, 0 at point P. So basically, जब हम dot product calculate कर रहे हैं, ये हमने शुरू के lectures में देखा था कि this is equal to the dot product of the vectors translated at the point P. So this is equal to V1. Now we also know that this is the same as calculating the value of Tx1 at V, which will give us the first component of the vector. So किसी भी vector V के लिए θ1 is the same as Dx1. Similarly, we can see that the value of θ2 at any vector is the same as Dx2, and similarly θ3 is Dx3. So basically, अगर किसी function θ1 की value Dx1 के बराबर है for each and every element of its domain. So इस केस में domain क्या हमारे पास vectors हैं, tangent vectors to R3 हैं at some fixed point P. So इस केस में अगर दोनों functional की value बराबर हैं हर वेक्टर v के लिए, so this implies θ1 is the same as dx1. And similarly, we can see that θ2 is equal to dx2 and θ3 is equal to dx3. So it will be a good and simple exercise अगर आप ये अपने तौर पे देख लें कि how θ2 is equal to dx2 and how θ3 is equal to dx3. So basically, natural frame field के केस में जो dual one forms बनती हैं वो dx1, dx2 और dx3 बनती हैं. So what is dx1? dx1 is basically the exterior derivative of this real valued function, which is the coordinate function. So x1 is a real valued function from R3 to R, and it is the first coordinate function, and dx1 is the exterior derivative of this function. Similarly, dx2 is the exterior derivative of the coordinate function x2, and dx3 is the exterior derivative of the coordinate function x3. Now, orthonormal expansion formula for vector field. Hame pata hai ke koi si bhi vector field given ho, we can write it down in terms of the frame field E1, E2, E3. So vector field V ko main likh sakta hoon as a linear combination of E1, E2, E3, aur isme jo coefficients given hai wo F1, F2, F3 given hai. So for example, in this case, this is equal to F1, E1 plus F2, E2 plus F3, E3. जैसा कि हमने जब हम dual one forms की definition कर रहे थे, हमने देखा था कि किसी भी vector v को लिखा जा सकता है as a linear combination of e1, e2, e3, लेकिन उसके जो coefficients बनेंगे वो हमारे पास dual one forms की values होंगी at that vector v. इसी तरीके से हम इस तमाम चीज को generalize कर सकते हैं to vector field, क्योंकि अगर आप कोई सा भी ऑपरेशन किसी एक पॉइंट पे कर सकते हैं, ये हमने पहली स्लाइड में देखा था कि कोई सा भी वेक्टर लिखा जा सकता है एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ θ1 ऑफ वी e1 ऑफ पी प्लस θ2 ऑफ v e2 of p plus θ3 of v e3 of p. ये हमने आज लेक्चर के शुरू में देखा था. अब अगर मैं ये केस एक पॉइंट पे खड़े होके कर सकता हूं, then I can do it the same procedure for each and every point of R3. So basically I can do it for a vector field. So vector field क्या है? Vector field आपको R3 के हर पॉइंट पे एक वेक्टर देता है. सो आई कैन डू द सेम प्रोसीजर एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द वेक्टर फील्ड. सो
ये पॉइंट P है, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, सिमिलरली दिस इज पॉइंट लेट्स से Q, दिस इज E1 ऑफ Q इनफैक्ट E2 एंड E3, एंड सिमिलरली फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट वी कैन डू द सेम प्रोसीजर. एंड इन जनरल वी कैन से दैट वी कैन कैलकुलेट दीज फंक्शंस. और ये फंक्शंस क्या हैं? बेसिकली हर वेक्टर के लिए वो जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं हमारे पास वो फंक्शंस बनेंगे बिकॉज दे डिपेंड ऑन द पॉइंट्स. अब पॉइंट चेंज कर देंगे तो ये कोएफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे. सो दीज आर फंक्शंस. सो ए वेक्टर फील्ड कैन बी रिटन एज थीटा आई ऑफ वी. सो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, सो बिकॉज वी इज ए वेक्टर फील्ड, सो ए वेक्टर फील्ड इज ए फंक्शन जो कि आर थ्री के हर पॉइंट पे मुझे एक वेक्टर देगा. सो लेट्स कैलकुलेट द फंक्शनल वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर फील्ड. किसी भी पॉइंट पी पे मेरे पास एक वेक्टर आना चाहिए. अब यहाँ से देखते हैं ये वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास. सो थीटा आई ऑफ वी ऑफ पी ई आई ऑफ पी. सो थीटा आई ऑफ वी ऑफ पी. सो वट इज थीटा आई ऑफ वी ऑफ पी. सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पॉइंट पी है, देन दिस इज द वैक्टर वी ऑफ पी इन दिस वैक्टर फील्ड. सो एंड दिस वैक्टर वी ऑफ पी कैन बी रिटन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ई वन ऑफ पी, ई टू ऑफ पी, ई थ्री ऑफ पी विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ थीटा वन ऑफ वी, थीटा टू ऑफ वी एंड थीटा थ्री ऑफ वी. सो that's where it is written here. And I can do the same procedure for each and every point. अगर मैं point change कर दूंगा तो मेरे पास जो coefficients हैं वो different आएंगे और e1 of q, e2 of q और e3 of q यहाँ आ जाएंगे. So in short हम किसी भी vector field को लिख सकते हैं in terms of the dual one forms and frame field. वी हैव सीन दिस रिजल्ट फॉर नेचुरल फ्रेम फील्ड के अगर यू वन यू टू यू थ्री मेरे पास गिवन है विच इज़ द नेचुरल फ्रेम फील्ड. और जैसा कि हमने अभी देखा कि इसमें जो डूअल वन फॉर्म्स हैं नेचुरल फ्रेम फील्ड की वो डी एक्स वन, डी एक्स टू और डी एक्स थ्री बनती हैं. देन वी ऑल्सो नो दैट एनी वन फॉर्म फाई कैन बी रिटन एज इन द फॉलोइंग फॉर्म. ये हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था जब हम वन फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे थे, that any one form can be written as a linear combination of these special one forms dx1, dx2 and dx3. So any one form phi can be written as phi of u1 dx1, phi of u2 dx2 plus phi of u3 dx3. और इस केस में हमारे पास ये जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज इट ट्रू इन जनरल, क्योंकि हमने अभी देखा है कि हम किसी भी फ्रेम फील्ड से रिलेटेड डुअल वन फॉर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इस केस में हमने देखा कि नेचुरल फ्रेम फील्ड गिवन था और उससे रिलेटेड हमारे पास जो डुअल वन फॉर्म्स बन रही हैं उसको यूज करके हमने किसी भी वन फॉर्म को लिख लिया एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डी एक्स वन, डी एक्स टू एंड डी एक्स थ्री एंड यूजिंग दिस नेचुरल फ्रेम फील्ड. सो बेसिकली दिस रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी कैन राइट डाउन एनी वन फॉर्म इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड एंड द डुअल वन फॉर्म्स रिलेटेड टू दैट फ्रेम फील्ड. सो इज इट ट्रू इन जनरल कि मेरे पास कोई सा भी फ्रेम फील्ड गिवन हो और उसके डुअल वन फॉर्म्स गिवन हो, क्या मैं किसी भी वन फॉर्म को लिख सकता हूँ एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फॉर्म? एंड द आंसर टू द क्वेश्चन इज येस, वी कैन राइट इट डाउन इन दिस फॉर्म फॉर एनी फ्रेम फील्ड. सो लेट थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री बी द डुअल वन फॉर्म्स ऑफ द फ्रेम फील्ड ई वन, ई टू, ई थ्री. सो मेरे पास फ्रेम फील्ड ई वन, ई टू, ई थ्री गिवन है और उसके डुअल वन फॉर्म्स थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री गिवन है, देन एनी वन फॉर्म फाई ऑन आर थ्री
has a unique expression in the following way. So phi is equal to phi of E I and theta I. So आप देख सकते हैं कि this result is similar to the result for the natural frame field. So let's see how to prove this. So हमने prove ये करना है that any one form can be written as this combination. So basically हमारे पास दो functions हैं. So one form is a function that takes vectors to real numbers. And similarly हमने ये prove करना है कि ये हमारे पास जो function है ये इस function के बराबर है. और हमें पता है कि दो functions, let's say f and g, they are equal if they are equal for each and every value of its domain. So let's say हमारे पास दो कोई real valued functions हैं. हम कहते हैं कि they are equal if they are equal for each and every real number. So अब हम ये prove करेंगे कि किसी भी vector field के लिए इन दोनों की value equal है. So basically हम start लेंगे इस summation से. So theta e I. So theta I phi of E I at vector field V, this is equal to summation theta E I. So theta I V phi E I. So this is equal to phi summation theta I V E I. So aisa kyun possible hai? Because phi is linear and this is just a number. So using the linearity of phi we can write it down in the following way. So this is just equal to theta of V. Aur humne jaisa ki dekha tha ki any vector field V can be written as theta I of V E I. So this vector field V is basically given by this. So basically we have proved that this one form phi is equal to this expression for each and every vector field. So we can write down that phi is equal to this expression, which is basically a linear combination of these dual one forms. So कोई सा भी मेरे पास फ्रेम फील्ड गिवन हो और उसके डुअल वन फॉर्म्स गिवन हो, देन आई कैन राइट डाउन ईच एंड एवरी वन फॉर्म एज ए कम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिक डुअल वन फॉर्म्स. एंड दिस इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कि कोई से भी मेरे पास वन फॉर्म हो उसको मैं लिख सकता हूँ एज ए कम्बिनेशन ऑफ डुअल वन फॉर्म्स ऑफ द फ्रेम फील्ड. Now we know that any frame field E1, E2, E3 can be written in terms of natural frame field. और ऐसा हम कर सकते हैं और ऐसा हमने देखा था last lecture में भी कि कैसे हम किसी भी frame field को लिख सकते हैं in terms of natural frame field. Now we have the following results for dual one forms theta 1, theta 2, theta 3 of E1, E2, E3. We can write down the dual one forms theta i's in terms of the same matrix. So basically we can do it because so using the previous result we can write down each and every one form as a combination of the dual one forms. और इस केस में अगर मैं देखूं कि ये जो theta 1, theta 2, theta 3 हैं ये भी वन फॉर्म्स हैं. सो बेसिकली आई कैन राइट डाउन दीज वन फॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ द डुअल forms
of the natural frame field. So basically this is coming from the last result. And so theta I of uj, ab hum calculate karte hain yahan se. So this is equal to ei dot uj, and this is equal to summation aik uk dot uj, and we can write down this as aik canonical delta kj, which is equal to aij. So basically humne kya kiya isme, humne sabse pehle to yahan definition use ki hai one form ki. So basically humne dual one form ki yahan definition use ki hai ke one form ki jo value hai kisi bhi point pe, this is just v dot e I of p. So basically this is the same I as this I, aur uj pe hum value calculate kar rahe hain to dot product lenge uj ke sath. Now I can write down each and every ei in terms of the natural frame field. So I can write down ei is equal to aik, where k varies from 1 to 3. So we can write down ei in the following form. So using this expression 1, now taking its dot product with uj will give us this. Now we know that ui dot uj is canonical delta uij. So lekin is case mein uk or uj ka canonical delta, so this is equal to canonical delta kj. So this is equal to aij, because this is one if and only if k is equal to j. So when k is equal to j, then it will be, so this is non-zero when k is equal to j, or when k is equal to j we will get aij. So it will be a good exercise agar aap in indices ke bagair calculate kare. So for example calculate what is theta 1 of u1, and similarly calculate what is theta 1 of u2 by following the same procedure. So I am leaving this as an exercise, and it will be a good and easy exercise to write down the same expression but for particular values of I and j. So what we have learned in this discussion, हमारे पास कोई सा भी frame field given हो, हम उसको लिख सकते हैं as a combination of natural frame field, और जो सेम कोएफिशिएंट्स हैं उन सेम कोएफिशिएंट्स को हम यूज कर सकते हैं टू राइट डाउन द ड्यूअल ऑफ दैट फ्रेम फील्ड इन टर्म्स ऑफ द ड्यूअल ऑफ द नेचुरल फ्रेम फील्ड. सो आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट्स में कोई चेंज नहीं आई, ए आई जेज आर द सेम एज दीज ए आई जेज. सो कोएफिशिएंट्स में कोई चेंज नहीं आई, और वही कोएफिशिएंट्स जिससे आपने किसी भी फ्रेम फील्ड को लिखा था इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड, उन्हीं को यूज करके आप लिख सकते हैं ड्यूअल वन फॉर्म्स को इन टर्म्स ऑफ द ड्यूअल वन फॉर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड. नाउ दिस इज द मेन रिजल्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, कार्टन स्ट्रक्चरल इक्वेशंस. कोई सा भी मेरे पास फ्रेम फील्ड गिवन हो आर थ्री पे विद ड्यूअल फॉर्म्स थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री एंड कनेक्शन फॉर्म्स ओमेगा आई जे. अगर आपको याद हो हमने कनेक्शन फॉर्म्स को लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, और हमने ये भी देखा था कि देर इज अ सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग दीज कनेक्शन फॉर्म्स. द एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ दीज फॉर्म्स सेटिस्फाई, सो दे आर टू स्ट्रक्चरल इक्वेशंस. सो द फर्स्ट स्ट्रक्चरल इक्वेशन सेज दैट द एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, and the second structural equation says that the exterior derivative of these connection forms can be calculated in this way.
नाउ कैलकुलस में हम जैसे ही कोई फंक्शन पढ़ते हैं, लेट से हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देखा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था व्हाट इज द डेरिवेटिव, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. सिमिलरली जब हमने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स किया तो हमने फौरन ही उसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना सीखा. तो दिस इज सिमिलर टू दैट प्रोसीजर. हमने अभी तक कनेक्शन फॉर्म्स देखी हैं और हमने ड्यूअल वन फॉर्म्स देखी हैं, सो इट इज़ वेरी नेचुरल टू आस्क कि उनके डेरिवेटिव्स क्या बन रहे हैं. सो क्योंकि ये ड्यूअल वन फॉर्म्स हैं, सो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो एक्सटीरियर डेरिवेटिव होगा, और ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमें यही बता रहे हैं कि इन फॉर्म्स का आप एक्सटीरियर डेरिवेटिव कैसे लेंगे. We don't need to prove these equations, so the proof is not included in the course. Now we can write down these equations in matrix notations. So we have defined these connection forms in the last lecture. इसको हम और ज़्यादा simplified way में भी लिख सकते हैं, क्योंकि these are forms such that omega I j is equal to minus omega j i. So basically these diagonal entries are zero. लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे इस लेक्चर में. So we are just writing down the general form. In general these connection forms can be named omega. We also know that किसी भी फ्रेम फील्ड से रिलेटेड एक एटीट्यूड मैट्रिक्स है. सो उस एटीट्यूड मैट्रिक्स को हम ए का नाम दे सकते हैं. एंड सिमिलरली मैं थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री जो मेरे पास ड्यूअल वन फॉर्म्स हैं फ्रेम फील्ड के, उनको मैं लिख सकता हूँ इन द फॉलोइंग फॉर्म. सो दिस इज जस्ट द मैट्रिक्स थीटा. एंड सिमिलरली द ड्यूअल ऑफ द नेचुरल फ्रेम फील्ड्स कैन बी रिटन एज डी एक्साई. सो दिस इज Greek alphabet and you pronounced it as xi. So the first fact जो कि हमने प्रूव किया है आज के लेक्चर में वो ये था कि बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप किसी भी फ्रेम फील्ड को लिख सकते हैं as a combination of natural frame field और उससे आप attitude matrix बनाते हैं, उसी तरीके से सेम कोफिशंट्स को यूज करके आप इनके ड्यूअल्स को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द ड्यूअल्स ऑफ द नेचुरल फ्रेम फील्ड. सो थीटा आई इज इक्वल टू दिस कॉम्बिनेशन एंड इन द मैट्रिक्स फॉर्म वी कैन राइट इट डाउन इन द फॉलोइंग वे. एंड हाउ वी कैन राइट इट डाउन, सो लेट्स सी व्हाट इज थीटा वन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. सो थीटा वन इज इक्वल टू ए वन वन डी एक्स वन प्लस ए वन टू डी एक्स टू प्लस ए वन थ्री डी एक्स थ्री. एंड सिमिलरली व्हाट इज थीटा टू, दिस इज इक्वल टू ए टू वन डी एक्स वन प्लस ए टू टू डी एक्स टू प्लस ए टू थ्री डी एक्स थ्री. एंड व्हाट इज थीटा थ्री, दिस इज ए थ्री वन डी एक्स वन ए थ्री टू डी एक्स टू प्लस ए थ्री थ्री डी एक्स थ्री. सो इन मैट्रिक्स फॉर्म आई कैन राइट डाउन इन द फॉलोइंग वे. ये आप देख सकते हैं दिस इज वेरी सिंपल दैट दिस इम्प्लाइज थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री मल्टीप्लाइड विद दिस डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री. सो दिस इज द सेम एज दिस एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट इज दिस मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज थीटा एंड दिस मैट्रिक्स इज ए एंड दिस मैट्रिक्स इज डी एक्स आई. सो वी कैन राइट डाउन द फैक्ट दैट वी स्टेटेड अर्लियर एंड प्रूव्ड इट इन द फॉलोइंग फॉर्म. Theta is equal to A dxi. Now we can write down
the structural equations in the following way. So d theta I is the same as d theta 1, d theta 2, d theta 3, which is d theta. And on the other hand, what is this expression? So because these are one forms, तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है हम वेज प्रोडक्ट लेंगे. सो द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन द वन फॉर्म्स, क्योंकि हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था, द एलिमेंट्स ऑफ दीज मैट्रिक्स और दीज कनेक्शन फॉर्म्स आर वन फॉर्म्स, ये हमने प्रूव भी किया था. सो दीज आर वन फॉर्म्स एंड दीज आर ऑल्सो वन फॉर्म्स. सो वन फॉर्म्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? आप वेज से मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही इक्वेशंस आएंगी जो यहाँ से आ रही हैं. सो लेट्स से व्हाट इज डी थीटा वन फ्रॉम हेयर. सो आई इज इक्वल टू वन, सो दिस विल बिकम ओमेगा वन वन वेज थीटा वन प्लस ओमेगा वन टू वेज थीटा टू प्लस ओमेगा 1 3 वेज थीटा 3. सिमिलरली आप डी थीटा 2 लिख सकते हैं और डी थीटा 3 लिख सकते हैं, और इनके एक्सप्रेशन जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. सो इन मैट्रिक्स फॉर्म आप इसको कैसे लिख सकते हैं? डी थीटा, सो दिस मैट्रिक्स इज डी थीटा इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस विच इज बेसिकली omega and this matrix is theta. So this is the simple form of the first structural equation, d theta is equal to omega theta. And similarly we can write down the second structural equation in the following form. Jaisa ki maine pehle kaha ki one forms hain, unko jab hum multiply karenge to basically hum वेज प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे. देर इज नो अदर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड फॉर द वन फॉर्म्स. अभी तक हमने सिर्फ वेज प्रोडक्ट देखी है. दैट्स हाउ वी मल्टीप्लाई टू वन फॉर्म्स. सो अगर इस पे गौर करें तो बेसिकली लेट्स जस्ट फिक्स्ड ओमेगा वन टू. सो अगर आप आई की जगह वन और जे की जगह टू पुट कर दें इसमें, तो आपके पास कुछ इस किस्म का एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो आई इज वन एंड जे इज टू, सो दिस इज वन वन वेज वन टू. सो आई इज वन, जे इज टू. सो लेट्स राइट डाउन हियर, आई इज वन, जे इज टू. सो प्लस ओमेगा वन टू वेज ओमेगा टू टू प्लस ओमेगा वन थ्री प्लस वेज थ्री टू. सो दिस इज जस्ट वन एलिमेंट. सिमिलरली आप डी ओमेगा वन थ्री, डी ओमेगा वन वन अप टू सो ऑन, तमाम की तमाम जो भी ओमेगा की वैल्यूज हैं उनके लिए आप कैलकुलेट करें, तो एंड में आप देखेंगे दिस इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग दिस मैट्रिक्स ओमेगा विद इटसेल्फ. And the multiplication is wedge product. So this is the simple form of the Cartan's structural equations. Now let's calculate the structural equation for spherical frame. हमें पता है कि spherical frame is defined by the following expressions. So basically ये हमने last lecture में किया था कि how to write down a given frame in terms of let's say natural frame. So basically every frame can be written in terms of the other frame. Or lekin hum kisi bhi frame ko natural frame mein bhi likh sakte hain, aur uske jo coefficients aayenge wo mere paas attitude matrix banayenge us frame ka. So basically agar main in tamam quantities ko matrix form mein likhun to ye jo quantity hai, this is this coefficient, and similarly this quantity is coming here, this is this coefficient, and this quantity is the same as this. Or second line mein aap dekh sakte hain there is no coefficient of u3, so I can write it down like this. So this comes here,
this comes here and there is 0, so this is 0. And similarly I can write down, so this quantity comes here and this quantity comes here and this quantity comes here. So this is the attitude matrix of this spherical frame field. Now if theta 1, theta 2 and theta 3 are dual one forms of the spherical frame field, then we want to calculate them. Now we know that what is theta I. So theta I is basically theta I of uj and dxj. So ye cheez humne abhi prove ki thi kyunki theta I is a one form, aur is one form ko main likh sakta hu as a linear combination of these dual one forms related to the natural frame field. So basically theta I can be calculated in the following form. Lekin iske baad humne ye bhi dekha tha ki in a much simple way I can write down theta I in the following way, where these aij's are entries of this attitude matrix. Aur humne ek aur way mein bhi likha tha, that this theta is equal to a d xi. So for example from here I can write down what is theta 1. So theta 1 becomes, so basically I just need to multiply this matrix with dx1, dx2 and dx3, and after multiplying a with d xi I will be getting thetas. So what is theta 1 from here? So cosine theta cosine phi dx1 plus sine theta sine phi dx2 plus sine phi dx3. Similarly I can write down theta 2 and theta 3. Lekin isme ek problem aa rahi hai ki mere paas jo expressions aa rahe hain usme x1 x2 x3 aa rahe hain, lekin mujhe aise expressions chahiye jisme mere paas dr d theta d phi or d rho d theta or d phi i. So uske liye fir main kya karta hu, main in expressions ko use karta hu. X is equal to rho cosine phi cosine theta, x2 is equal to rho cosine phi sine theta and x3 is equal to sine phi. So I can write down dx1 by using this formula. So what is dx1 then? Dx1 can be calculated using this formula. So this is partial x1 by partial rho d rho plus partial x1 by partial theta d theta plus partial x1 by partial phi d phi. So let's calculate dx1. So partial x1 by partial rho is cosine phi cosine theta d rho plus partial x1 by partial theta becomes minus sine theta cosine phi rho d theta plus partial x1 by partial phi. So this becomes rho minus sine phi cosine theta d phi. So isko aur zyada simplified way mein bhi hum likh sakte hain. And similarly we can calculate dx2 and dx3, aur in values ko jab hum is expression mein put karenge, so yahan se humne dx1 ki value nikal li, dx2 ki value nikal li aur dx3 ki value nikal li, aur is values ko jaise hi hum put karenge a dxi mein to mere paas theta 1 theta 2 theta 3 ki values aa jayengi in terms of d rho d theta and d phi. So basically abhi tak humne kya kiya, hamare paas spherical frame field given tha, spherical frame field ka humne
एटीट्यूड मैट्रिक्स फाइंड आउट किया। उस एटीट्यूड मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमने स्फेरिकल फ्रेम के जो ड्यूअल वन फॉर्म्स थे उनको कैलकुलेट किया। उनको कैलकुलेट करके हमने ये देखा कि ये इन टर्म्स ऑफ डी एक्स आईज आ रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ डी रो, डी थीटा, डी फाई हमने इन एक्सप्रेशंस को यूज़ किया। और इन एक्सप्रेशंस में हमने ये देखा कि दे आर डिपेंडिंग ऑन एक्स वन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रो, थीटा एंड फाई। सो आई कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस फार्मूला डी एक्स वन इन टर्म्स ऑफ डी रो, डी थीटा, डी फाई। एंड देन अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं इन दिस एक्सप्रेशन जो कि हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया था, एटीट्यूड मैट्रिक्स हमें पता है, डी एक्स आई की वैल्यू हमें पता चल गई इन टर्म्स ऑफ रो थीटा फाई, आई कैन कैलकुलेट इट डाउन। इट विल बी वेरी लेंथी कैलकुलेशन बट इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सो आई एम लीविंग दिस एज एन एक्सरसाइज एंड देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ थीटा वन, थीटा टू एंड थीटा थ्री, और इन अदर वर्ड्स थीटा विच इज इन फैक्ट इक्वल टू थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, the value of this matrix in terms of rho, theta and phi. Now we want to calculate omega. So if you remember the first structural equation, this is equal to this expression. अभी तक हमने theta calculate किया. So theta हमने calculate करने के बाद अब हम omega calculate करना चाह रहे हैं. और लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो हमने ये रिजल्ट किया था हाउ टू कैलकुलेट दीज कनेक्शन फॉर्म्स। सो वी कैन कैलकुलेट दीज कनेक्शन फॉर्म्स इन द फॉलोइंग वे। सो बेसिकली वी कैन कैलकुलेट ओमेगा बाय मल्टीप्लाइंग डी ए विद द ट्रांसपोज ऑफ ए। सो लेट्स कैलकुलेट द ए ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज इज बेसिकली कोसाइन थीटा, कोसाइन फाई, साइन थीटा, साइन फाई, साइन फाई एंड माइनस साइन थीटा, कोसाइन थीटा जीरो एंड माइनस कोसाइन थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, साइन फाई एंड कोसाइन फाई। सो दिस इज द ए ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ how to calculate dA. So the exterior derivative of this matrix is basically the exterior derivative of each and every of its term. So we want to calculate the exterior derivative of cosine theta, cosine phi, d sine theta, sine phi, d sine phi and d minus sine theta, d cosine theta 0 minus cosine theta sine phi, and so this is d of this expression, and d minus sine theta sine phi and d of cosine phi. So dA means we need to take the exterior derivative of each and every of this function. और हमें ये पता है कि हाउ टू कैलकुलेट डी एफ। सो वी कैन कैलकुलेट बाय कैलकुलेटिंग पार्शियल एफ बाय पार्शियल, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ रो थीटा एंड फाई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल रो डी रो प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल थीटा डी थीटा प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल फाई डी फाई। सो वी कैन कैलकुलेट डी एफ इन द फॉलोइंग फॉर्म। And so if we multiply dA with the A transpose, we will get this expression. So let's go back to the last slide. इस केस में हमने इस तमाम टर्म्स को, इन तमाम टर्म्स को आपने कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस फार्मूला। सो इस F की जगह फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में आपके पास कोसाइन थीटा कोसाइन फाई आएगा और इस एक्सप्रेशन को आपने कैलकुलेट करना है। सिमिलरली दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म।
इन तमाम के लिए आपने इस फार्मूले को यूज़ करके ये टर्म्स कैलकुलेट करनी है, और जब ये टर्म्स कैलकुलेट हो जाएं तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है विद ए ट्रांसपोज एंड द आंसर इज गोइंग टू बी दिस एक्सप्रेशन। इस केस में हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, क्योंकि ओमेगा आई जे इज द सेम एज माइनस ओमेगा जे आई, सो दैट इज वाई दीज डायगनल एंट्रीज आर गोइंग टू बी जीरो। ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं या इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और यूजिंग द सेम एक्सप्रेशन वी कैन राइट डाउन दैट द टर्म ओवर हेयर इज माइनस कोसाइन फाई डी थीटा एंड द टर्म ओवर हेयर इज बेसिकली माइनस साइन फाई डी थीटा एंड द टर्म ओवर हेयर इज माइनस डी फाई। सो दिस इज बेसिकली ओमेगा, एंड सो द फर्स्ट स्ट्रक्चरल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सो द फर्स्ट स्ट्रक्चरल इक्वेशन इज डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा थीटा। सो इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस ओमेगा एंड थीटा देन वी विल गेट, सो डी थीटा इज इक्वल टू, सो डी थीटा वन, सो दिस इज डी थीटा, डी थीटा वन, डी थीटा टू, डी थीटा थ्री, सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा विच इज गिवन ओवर हेयर, सो दिस इज जीरो कोसाइन फाइव डी थीटा, डी फाइव जीरो साइन फाइव डी थीटा एंड जीरो मल्टीप्लाइड विद थीटा विच इज डी आर आर कोसाइन फाइव आर डी फाइव। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास एक्सप्रेशन फॉर डी थीटा वन आ जाएगा, डी थीटा टू और डी थीटा थ्री आ जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस इज माइनस डी रो माइनस कोसाइन फाइव डी थीटा। सो लेट्स सी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर डी थीटा थ्री, सो दिस बिकम्स माइनस डी फाइव वेज डी आर माइनस साइन फाइव कोसाइन फाइव, सो दिस इज डी थीटा ओवर हियर, सो डी थीटा वेज डी थीटा प्लस जीरो, सो दिस बिकम्स, सो इफ वी रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ डी आर एंड डी थीटा दे विल बी अ माइनस साइन, सो दिस बिकम्स दिस, एंड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ द वेज प्रोडक्ट डी थीटा वेज डी थीटा इज जीरो, सो दिस बिकम्स दिस। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चरल इक्वेशन, और इस केस में आपने डी थीटा थ्री की वैल्यू निकाली है, और ये आप देख सकते हैं ये ट्रू है बिकॉज दिस इज इक्वल टू डी आर वेज डी फाइव, एंड सिमिलरली वी कैन सी दैट व्हाट इज डी थीटा टू एंड व्हाट इज डी थीटा वन, एंड दिस इज ट्रू बिकॉज वी कैन सी दैट व्हाट इज डी थीटा थ्री, सो थीटा थ्री इज इक्वल टू आर डी फाइव। और अगर आपको याद हो जब हमने एक्सटीरियर डेरिवेटिव की डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था कि जब मैं एक्सटीरियर डेरिवेटिव लूँगा किसी भी वन फॉर्म का तो मैं उसके साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका एक्सटीरियर डेरिवेटिव लेके उसका वेज लूँगा मैं डी फाई के साथ, सो दिस इज द सेम एज दिस। सो बाय डेफिनेशन ये चीज़ हमने कैलकुलेट की थी व्हेन वी वर डूइंग द एक्सटीरियर डेरिवेटिव, सो डी एक्स डी थीटा थ्री इज बेसिकली डी आर वेज डी फाई विच इज द सेम एज दिस एक्सप्रेशन जो कि हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चरल इक्वेशन से आया। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द सेकेंड स्ट्रक्चरल इक्वेशन फॉर दिस स्फेरिकल फ्रेम फील्ड। इसमें आप देख सकते हैं जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी लेंथी हैं लेकिन रिलेटिवली ईजी हैं। नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस थीटा, सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस थीटा इज, सो दिस इज थीटा वन थीटा टू एंड थीटा थ्री, सो दीज आर द डुअल वन फॉर्म्स। सो बेसिकली ये हमें बताता है कि अगर थोड़ी सी भी चेंज हो डी थीटा में
डी फाइव में या रो में जरा सी भी चेंज हो तो मेरे पास जो ओवरऑल चेंज है वो कितनी बनेगी। इन जनरल जो कोऑर्डिनेट्स में जो चेंज है उस चेंज से इन जनरल मेरे पास चेंज कितनी आएगी। सो ये बेसिकली कैलकुलेट होगा डी आर से। सो बेसिकली दिस इज डी रो, एंड दिस इज रो, एंड दिस इज रो। सो वी आर यूजिंग द टर्म रो, बट वी कैन ऑल्सो यूज द सिंबल आर एज वेल, बट इन दिस केस वी आर यूजिंग द सिंबल रो। सो दिस विल गिव मी के आपके पास जो डी थीटा, डी फाई और डी रो में जो चेंज आएगी इससे ओवरऑल आपके पास कितनी चेंज आएगी। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस थीटा। सो अभी जो हमने स्ट्रक्चरल इक्वेशंस की हैं, दिस विल गिव अस रेसिपी फॉर डीलिंग विद द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली वी हैव अ रेसिपी फॉर डीलिंग विद ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स इन आर थ्री, कि कोई सी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हो आप उसके साथ एक वेल डिफाइंड हमारे पास स्टेप्स गिवन हैं जिसको हम फॉलो करके किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एक फ्रेम फील्ड सेलेक्ट करना है। हमारे पास एक गिवन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, उस पर डिपेंड करते हुए या उसको देखते हुए हम ये देखेंगे कि कौन सा फ्रेम फील्ड लिया जाए। सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड लिया जाए, स्फेरिकल फ्रेम फील्ड लिया जाए या नेचुरल फ्रेम फील्ड लिया जाए। इस तमाम को देखते हुए आप फ्रेम फील्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इसकी ड्यूअल वन फॉर्म्स कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया स्फेरिकल फ्रेम फील्ड के केस में, वी कैलकुलेटेड द ड्यूअल वन फॉर्म्स, एंड सिमिलरली वी कैलकुलेट द कनेक्शन फॉर्म्स एंड देन अप्लाई द स्ट्रक्चरल इक्वेशंस एंड देन इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। हमारे पास मैथमेटिकल रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसको हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देनी है, एंड दैट्स हाउ वी डील विद ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स इन आर थ्री। इन तमाम टूल्स को जो हमने लास्ट थ्री लेक्चर्स में किए हैं, इनको हम सर्फेसेस इन आर थ्री के लिए यूज़ कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, गिवन एनी फ्रेम फील्ड, जैसा कि हमारे पास नेचुरल फ्रेम फील्ड में U1, U2, U3 के कोरिस्पॉन्डिंग DX1, DX2, DX3 थे, इसी तरीके से किसी भी फ्रेम फील्ड के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं ड्यूअल वन फॉर्म्स, एंड देन वी डिफाइन कार्टन्स स्ट्रक्चरल इक्वेशंस, एंड देन वी कैलकुलेटेड द स्ट्रक्चरल इक्वेशंस फॉर द स्फेरिकल फ्रेम। नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग सर्फेसेस इन R3। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।